पढ़ाई आज की शुरू करते हैं। आप सब अपनी हिंदी की प्रतीका भाग दो किताब निकालिए। हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में हिंदी प्रतीका का पाठ है माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। पहले सबसे पहले हम बच्चों माता के आंचल पाठ का कुछ परिचय देखेंगे कि यह जो माता का आंचल पाठ है यह शिव सहाय पूजन के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। किसे लिया गया है? शिव सहाय पूजन, शिव पूजन सहाय उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है और सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता था। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा भी गया है। इसमें लिखा है, स्मरण शिल्प में लिखा है कि हिंदी का पहला उपन्यास ही माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। आंचलिक मतलब वहाँ की भाषा, उस क्षेत्र की भाषा। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि खेत से खेत देहाती या अपन गवार निरक्षर और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धर्मी और शिशु चरित्र भोलानाथ कथा का दृष्टि बिंदु। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का मिलाप, लोकगीत आदि अनेक ऐसे प्रसंग इसमें शामिल किए। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता, शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया है। तो बच्चों, यह जो माता का आंचल है पाठ हम जो पढ़ रहे हैं, यह शिव पूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया। और यह कब प्रकाशित हुआ था? देहाती दुनिया सन 1926 में प्रकाशित है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि माता के आंचल पाठ का सारांश क्या है। तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने अपने माता पिता के साथ बचपन के आत्मीय लगाव को खूबसूरत तरीके से व्यक्त किया गया है। इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति का अद्भुत चित्रण है, साथ ही साथ ग्रामीण लोकोक्तियों का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। जैसे जहाँ लड़कों का संग तहाँ ताजे मृदंग, जहाँ बुद्धों का संग वहाँ खर्चे का आतंक। मतलब कि जहाँ ऐसे और भी कोई लोकोक्तियाँ इस पाठ में मौजूद हैं। लेखक का बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ होता है, जिसे सब घर में यूं कहें कि खास करके उनके पिताजी प्यार से भोलानाथ कहकर संबोधित करते थे। लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जैसा आप ये चित्र में भी देख रहे हैं, यह जो बच्चे हैं यह देखें, ये मृदंग बजा रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अभी हमने लोकोक्ति पढ़ी कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, मतलब जहाँ बालक बच्चे मिल जाते हैं वहाँ पर उसे मस्ती करते हैं, मृदंग बाजने लगती है। और जहाँ वृद्ध लोग बैठते हैं वहाँ उनके पास क्या रहता है? बात करने, वार्तालाप, खर्चे का, परेशानियाँ का, गृहस्थी का बोझ। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें
कि सब घर में या यूं कहें खास करके कि उनके पिताजी देखा क्या कहते थे अपने पिताजी को बाबू बाबू जी और माता को मैया कहते थे। बचपन में लेखा ज्यादातर वक्त अपने बाबू जी के सानिध्य में गुजारा करते थे। वे अपने पिता के साथ ही सुबह जल्दी वह अपने पिता के साथ ही सोते और सुबह जल्दी उठते और पिताजी के हाथों से ही क्या करते थे स्नान करने का सुख भी प्राप्त करते थे। जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते तब वे उनके बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। पिता की नजर जब लेखक पर पड़ती तो वे लजाकर आईना नीचे कर देते। लजाना मतलब शर्माना। इस बात पर लेखक के पिताजी क्या होते थे मन ही मन खुश होते थे और वह धीरे से मुस्कुरा देते थे। लेखक अपने माथे पर तिलक लगवाकर खुश होते थे। वो अपने पिताजी के साथ क्या करते थे स्नान करके पूजा करते थे और पूजा के बाद अपने माथे पर तिलक लगवाकर वह खुश होते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को खाना खिलाने ले जाते और नाम नाम लिखी पंछियों में लिखी आटे की गोलियां गंगा में डालते और लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते हुए वह अपने घर वापस आते। घर आकर जब वे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कौर छोटे लगते थे। लेखक की माँ जब पक्षियों के नाम के निवाले कौर बनाकर उनके उड़ने का डर बताती क्या करती थी खाना खिलाती थी तो माँ कौर छोटे लगते थे। लेखक की माँ पक्षियों के नाम के कौर बनाकर और उनके उड़ने का डर बताती तो लेखक बड़े चाव से उस निवाले को अपने मुंह में ले लेती। जैसे अक्सर छोटे बच्चों को खिलाते हैं कितने तरह से छोटे बच्चों को मनाना पड़ता है खाना खाने के लिए उसी तरह लेखक की माँ भी क्या करती थी कि पक्षियों के नाम का कौर बनाती थी कि बेटा नहीं खाओगे तो ये वो पक्षी आकर तुम्हारा खाना खा जाएगा। और उस डर से क्या करते थे लेखक उस निवाले को उस कौर को बहुत अच्छे से चाप से अपने मुंह में ले लेते थे। फिर लेखक की माँ अचानक उसे पकड़ के अपने आगोश में भर लेती और उसके सिर पर अपना कड़वा तेल सरसों डाल देती। क्या करती थी माँ प्यार में आके उसको अपने बाहों में भर लेती थी और पकड़कर फिर क्या करती थी अच्छा जो कड़वा तेल सरसों का रहता है उसको उनके सिर पर डालती थी। देखिए आपने पिक्चर में भी जो लेखक है देखिए कितने उसमें बैठे हैं पर माँ है कि उनको तेल डाल के ही मानेंगी। आपके चित्र में भी पूरा कहानी का सार समझ में आ जाएगा। लेखक रोने लगते जब माँ उनको तेल डालती थी तो लेखक रोने लगते थे तो उनके पिताजी लेखक की माँ पर गुस्सा हो जाते थे और रोने के बावजूद भी माँ बालों में तेल डालकर तंगी कर देती थी। बच्चों सभी के साथ बचपन में ऐसा ही हुआ होगा। आप भी जरा अपने अतीत में जाइए याद करिए कि आपको भी माँ ऐसे ही पकड़ के खाना खिलाती थी नहलाती थी और बालों में तेल डाल के कंघी करके तैयार करके राजा बेटा बना देती थी। बालों में तेल डालकर कंघी कर देती थी कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी झूठ कर फूलदार लट्टू लगा देती। लेखक रोते रोते बाबू जी की गोद में बाहर आते ही वे पालकों की झुंडी के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। चबूतरे पर बैठ के तमाशे और नाटक किया करते थे मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे भरौने के खेल खाने वालों की पंक्ति में आकर जाकर चुपके से बैठ जाते थे। जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो भी पूछते कि भोजन कब मिलेगा। ये सब बचपन की बातें हैं जो लेखक ने माता के आचरण लेखक से उनके पिता का भी कहना बहुत लगाव था। वे कभी उसके हाथों को चूम लेते तो कभी दाढ़ी मुस्कुरा कर मस्ती करते कुश्ती खेलते और बार बार हार जाते। लेखक अपने दोस्तों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुटाकर इतनी रुचि से खेलते कि उन खेलों को देखकर सभी
खुश हो जाते थे। एक बार रास्ते में आते क्या मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी क्या करे, पाठशाला पहुंच गए जहाँ बच्चे पढ़ते थे। मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए, अध्यापक ने लेखक की बुक पिटाई थी। यह सुन पिताजी पाठशाला दौड़े दौड़े आए, अध्यापक से विनती कर पिता उन्हें घर ले आए। फिर उनके रोने रोना अपने मित्र मंडली के हो गए और खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तो देखिए ये बच्चे हैं, ये हाथ में उनके पिंजरा है, बच्चों के हाथ में पिंजरा, और वो क्या कर रहे हैं, चिड़िया पकड़ने की कोशिश कर रहे, क्योंकि उनके पिताजी उनको अध्यापक की बात से घर ले आए थे। और घर आते ही बच्चा क्या किया, लेकर अपनी मार पिटाई भूल के दोस्तों के साथ सब मित्रों के साथ खेलने लगे और चिड़िया पकड़ने लगे। चिड़ियों के उलझाने पर जब एक किले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आस पास का पानी डाला, उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेकर लहू लुहान स्थिति में घर पहुंचा तो सामने पिता को पहुंचकर उक्का बुड़बुड़ाते देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसने अंदर जाकर माँ से चिमटने में सुरक्षा महसूस नहीं, माने घबराते हुए और चिंतित अवस्था में आचार्य ने उसकी धूल साफ करी और हल्दी लगाई। बेशक लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्यार गुलाब से जाकर मजबूत दिखे, शायद उस वक्त माँ का आंचल लेखक के लिए किसी महफूज आईने आशियाने से कम नहीं था। अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। मृदंग है एक तरह का वाद्य, तड़के का अर्थ होता है प्रभात या सुबह, लीलाल शब्द का अर्थ है ललाट, और त्रिपुंड शब्द का अर्थ है कि एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर तीन आड़ियां अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं, जो ऐसे त्रिपुंड हाथ से तीन लाइनों से जो माथे पर चंद्र लगाया जाता है। उदान शब्द का अर्थ है कि पीठ के बल लेटना, और सांकर शब्द का अर्थ है कि मिलाना, अफल शब्द का अर्थ है कि भरपेट भोजन, भरपेट से अधिक भोजन करना, धौ शब्द का अर्थ है कि स्थान या अवसर, महतारी शब्द का अर्थ है कि माता, अबोधकर शब्द है सराबोध कर देना, चंदोआ का सामियाना, छोटा सा सामियाना, ज्योनार शब्द का है भोजिया दावत, जीवने का अर्थ है कि भोजन करना, अमूल्य शब्द का अर्थ है कि आम का उगता हुआ पौधा, औहार शब्द का अर्थ है कि पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, कसोले शब्द का अर्थ है कि मिट्टी का बना चिचला छोटा कटोरा, दहली का शब्द का अर्थ है कि अरहर, अठई का शब्द है कि कुत्ते के शरीर से चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, चिरौरी मतलब है कि दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, भभूत का शब्द है दिक करना का अर्थ है परेशान करना, मेहरी का शब्द है घरवाली, ठीक शब्द का अर्थ है निरल, चिड़ई शब्द का अर्थ है चिड़िया, और सारा का शब्द है बरामदा, और अधीर शब्द का अर्थ है बेचैन होना, और अमानिया शब्द का अर्थ है कि साफ। बच्चों आज हमने माता के आचल पाठ का सारांश पढ़ा और उसके कठिन शब्दों के अर्थों को पढ़े। आगे की क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और
लिखेंगे।